खुल गई इल्जाम तो यहाँ रेडी हो चुके हैं, निकलना बहुत दूर है और वेट कर रहे हैं रिक्शा का, जल्दी से रिक्शा मिल जाए तो मेट्रो स्टेशन चलते हैं, वहाँ से हमारा तकरीबन उसको बहुत ज़्यादा लंबा है, तो आगे आप लोगों से बात करेंगे। दिल पे ना लीजिए कि दिल पे ना लीजिए कि अगर कोई आपको बुरा कहे, ऐसा कोई शख्स नहीं है दुनिया में जिसे हर कोई अच्छा कहे, कि ऐसा कोई शख्स नहीं है दुनिया में जिसे हर कोई अच्छा कहे। तो सुप्रभात, सुबह के नमस्ते और सुबह की राम राम, आई होप आप सब अच्छे में सब मस्त होंगे। आज हमारा दूसरा दिन है दिल्ली में और अभी हमको निकलना है फरीदाबाद के लिए। टाइम हो चुका है, देख सकते हो आप 4:30 हो चुके हैं सुबह के और लंबा सफ़र है, क्योंकि अगर हमारा बहुत वहाँ पर ना फरीदाबाद में थोड़ा सा काम है और जल्दी निकलना है, अगर बस लेंगे तो बस ज़्यादा टाइम भी लेके जाएगी, इसीलिए सबसे अच्छा साधन है मेट्रो, क्योंकि मेट्रो में निकलेंगे ना तो हमारा तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा, 1.5 घंटे में हम पहुँच जाएंगे फरीदाबाद। देख सकते हो 4:30 हुए हैं अभी तक और 4:30 सुबह के 4:30 हुए हैं और हम जा चुके थे यानी 4 बजे और नहा धो के और सेट रेडी हो चुके हैं, बस कंघी करनी है बालों में, मैं कंघी भी कर लूँगा और वैसे भी मैं कंघी बहुत कम करता हूँ अपने बालों में, मैं ऐसे ही बस ऑयल नहीं लगाता, मैं हफ्ते में एक बार बस तेल लगाता हूँ बालों में, बस मालिश वही जेल वगैरह लगा देता हूँ जो भी चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी बहुत कंघी कर लेता हूँ, बहुत ज़्यादा दूर जाना है तो आप लोगों को बने रहना ब्लॉग में। आगे दिखेगा फरीदाबाद का ब्लॉग जो भी हम वहाँ पर घूमेंगे। ये है राधा कृष्ण का मंदिर और अभी हम वेट कर रहे हैं रिक्शा का, तो सामने की तरफ पार्क है, एक छोटा पार्क है और एक बड़ा पार्क है आगे, तो टाइम तकरीबन सुबह के बज चुके हैं 5:15 और देखो तो कितने बड़े बड़े पेड़ हैं और इन लॉक, और सबसे पहले ट्रेन जो चलती है यहाँ से चलेगी तकरीबन 5:45 के आसपास ट्रेन चलेगी मेट्रो, तो हमें एक चेंजिंग करनी है हमें कश्मीर गेट, तो हमारे जो स्टॉप आएंगे 36 स्टेशन आएंगे बीच में और हमें निकलना है फरीदाबाद के लिए, तकरीबन 1.5 घंटा लगेगा और 36 स्टॉप यानी 36 स्टेशन आएंगे, 5-5 मिनट का सफ़र होता है मेट्रो का, 5 मिनट में एक स्टेशन आ ही जाता है। देख सकते हो मेरे पीछे इंदर लोग मेट्रो स्टेशन है, हमें सीढ़िया पार सीढ़िया चढ़नी है भी और पीछे बिग बाज़ार भी बंद है इस टाइम, यहाँ पे बिग बाज़ार भी है, तो अभी चलते हैं इन लोग मेट्रो स्टेशन और यहाँ से पूरी दिल्ली का जो मैप है यानी मेट्रो कहाँ कहाँ तक है वो है। सुबह का टाइम स्टेशन बिल्कुल खाली है, हम दो ही लोग हैं यहाँ पे बस, और 2-7-8 थे वो भी जाके जा चुके हैं, क्योंकि अभी तक टोकन मिलना चालू नहीं हुए हैं, हमें टोकन मिलेगा गेट खुलेंगे उसके बाद हम आगे के लिए निकलेंगे, क्योंकि तो अभी तो मेट्रो भी नहीं चली है, फर्स्ट ट्रेन ही 5:45 भी चलेगी तो देखो सारे चीज़ें बंद है यहाँ पे, आगे वहाँ पे टोकन लगाना होता है तो आगे एंट्री हो जाती है, खाली पड़ा है बिल्कुल स्टेशन, 36 स्टॉप आएंगे और फिर फरीदाबाद आएगा, उसके बाद निकलना है हमें आगे। देख करते भाई अभी कर रहे वेट है ना, उसकी टिकट मिल चुकी है, टिकट तो आप लोगों को पता है किसी होती है, एक सिक्का सा होता है एक रुपये जैसा, जैसा ना मैं दिखाता हूँ आप लोगों को, अगर कोई मेट्रो में नहीं बैठा ना तो देखो ऐसा सिक्का मिलता है, ये टोकन होता है, ये अगर आप कहीं पर भी पूरी दिल्ली घूम लेना, मतलब इन्हें यूपी के भी इलाके आते हैं और हरियाणा के भी एरिया आता है, कहीं भी घूम लेना ऐसा सिक्का मिलेगा, ठीक है, और स्मार्ट कार्ड अलग से बनता है वो ATM के कार्ड का होता है, तो अभी हम करें अपनी प्लेन का वेट, प्लेन आने वाली है उसके बाद निकलना है अपनी मंजिल की तरफ, मंजिल बहुत दूर है, जाना भी दूर है, तो वहाँ तक जाते जाते मेट्रो बिल्कुल खाली हो जाएगी, यानी 36 स्टॉप आने हैं, 36 मेट्रो के स्टेशन आएंगे छोटे छोटे बड़े भी स्टेशन आएंगे, तो मिलते हैं आगे आप लोग।
could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my... ये है कश्मीरी गेट का मेट्रो स्टेशन। हम आ चुके हैं, अभी देख सकते हो कितना बड़ा स्टेशन है। अंडरग्राउंड स्टेशन, अंडरग्राउंड है अभी। और अभी हमको लेनी है फरीदाबाद के लिए मेट्रो। हमारी जर्नी आ चुकी है, हमारा स्टॉप बिल्कुल देख सकते हो भाई। अभी निकल रहे हैं मंजिल की तरफ, बाटा चौक मेट्रो स्टेशन, चौक यानी मेट्रो स्टेशन फरीदाबाद का देख सकते हो। और अभी हम चल रहे हैं, जाना है हमें कहाँ पे, और मैं बता दूँगा आप लोगों को कहाँ पे जाना है। एक मंजिल है हमारी, हम फरीदाबाद में कुछ काम करने आए हैं और तो पूरा करके जाएंगे। तो फरीदाबाद की पावन धरती पर पाँव रख चुके हैं, तो चलते हैं भाई अपनी मंजिल पे और यहाँ से लेते हैं कुछ फोटो वगैरह। पता नहीं क्या जाएंगे क्या नहीं, रिक्शा वगैरह जाएंगे तो देखते हैं। हमारे पीछे वाटर चौक है मेट्रो स्टेशन। I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting. यानी मेट्रो स्टेशन है बाटा मेट्रो स्टेशन, यानी फरीदाबाद वाला। और जहाँ हमें पहुँचना था उसका वहाँ तक बिल्कुल 5 मिनट का रास्ता है। यहाँ हमें आना था, ये बिल्कुल सड़क जा रही है सीधी, और यहाँ तक आने के 20 रुपये ले चुका है ऑटो वाला। यार देख सकते हमें पता नहीं था ना, तो मतलब बिल्कुल 5 मिनट भी नहीं लगते, अगर 2 मिनट में आ जाते। देख सकते कितनी दूर, मतलब कितनी नज़दीक है, बहुत नज़दीक है मेट्रो स्टेशन। और यहाँ पे बहुत सारे लड़के बैठे हैं, और यही बिल्डिंग है वो जहाँ पे हम आए हैं, कुछ काम आए हैं। तो आगे तो अभी एक भाई के पास अभी कॉल करनी है, उसको बुलाना है, तो मिलते हैं उससे भी। आज का दिन फरीदाबाद में अभी ना कुछ मिला था, यानी पार्क मिली है, तो पार्क में लेते हुआ वो। और बस क्या है, खाली मैदान है यहाँ पर सारी जगह। मुझे लगा पार्क में लेते थे, अभी पार्क में थोड़ा कर रहे हैं विश्राम, आराम कर रहे हैं ठीक है। और अभी मुझे कहीं और जाना भी है, तो अभी निकल रहा हूँ घर की तरफ, क्योंकि भाई जिस काम के लिए आया था हो चुका है पूरा, सबसे मिल चुका हूँ अपनी लाइफ में। अभी जिन से मिलने आया था सबसे मिल चुका हूँ, अभी निकल रहा हूँ घर के लिए। अभी तो तकरीबन 11 बजे हैं, टाइम भी लग जाएगा जाते, लेकिन ये देख सकते हो ये बाटा मेट्रो रेलवे स्टेशन है यानी फरीदाबाद का। इससे आया आगे ओल्ड मेट्रो स्टेशन है, इससे आगे फिर राजा नहर मेट्रो स्टेशन है। लेकिन चल ठीक है यार, बस जो होता है ठीक होता है, लेकिन जो काम के लिए आए थे वो हो चुका है। तो आगे तो मिलते हैं, तो अभी हमें जाना है ना, प्रताप नगर जाना है मेट्रो स्टेशन बाटा चौक से ठीक है। लोगों आएंगे भी देखना कैसी होंगी। अच्छा बाटा चौक मेट्रो स्टेशन की है सीढ़ियाँ ठीक है। चल रहे हैं अभी घर की तरफ, चल रहे हैं
11:30 के आसपास टाइम हो चुका होगा, तो घर के लिए निकलेंगे। हमें निकलना है अभी प्रताप नगर, कश्मीरी गेट से चेंज करेंगे मेट्रो, देख सकते हो भाई। Make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confident. तेरे लंबे लंबे नज़की ने खाली बढ़िया, बिल्कुल खाली होगी, ऐसी मेरी गेट तक खाली है नहीं पता मैंने तेरे बड़े बड़े ने दजीम ने तेरी आँखों से गोरी फिल्म में जसीन ने लास्ट ऑफ कसी ये के यहाँ से आए हम बाटा चौक राजा नाम सिंह और कसी मेरी गेट स्टॉप एंड ये पता मैंने तेरे बड़े बड़े ने दजीम ने तेरी आँखों से गोरी फिल्म में जसीन Now that I've been put through hell I never got anyone's help I had to do it all myself I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up No, I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play जा रहे हैं रेड लाइन की ओर, चलते रहना तेनों की पता वे सोनी एक समक्ष पहनना अनिवार्य है। प्लेटफॉर्म नंबर 1 की तरफ हम जा रहे हैं ना, 2 की तरफ जाएंगे शायद है ना, तो मिलते हैं चलते जाते हैं। अभी हम आए हैं बाटा चौक यानी फरीदाबाद से, और घर के लिए निकलना हमें बहुत दूर जाना है, अभी तो तकरीबन 3 घंटे लगेंगे। और देख सकते हो भाई कितना बड़ा ये स्टेशन है, हेलो इस तरफ एक बार और टाइपिंग ठीक है तेरी आँखों से गोरी फिल्म में दसी नहीं तो धक धक फिल्म में दिखाऊंगा मुला बिच शॉपिंग कराऊंगा नहीं ऊपर की तरफ से आ चुके हैं और चलते हैं। तपस्या ही करती रहनी जिंदगी इसी का नाम है जिंदगी ठीक है करते रहना चाहिए लाइफ कुकड़ी। और इन्होंने ली आइसक्रीम अभी पी थी हमने शिकंजी यहाँ पे, तो अभी इस पर लग रहा है मसाला यानी नमक। अंकल जी ने तैयार कर दिया हमारे लीजिए भुट्टा यानी कुकड़ी आइसक्रीम। और अभी उस तरफ है स्टेशन, फिर ठंडा पानी यानी गर्मी में जो भी आता है वो जल फ्री जल सेवा। तो हम आ चुके अपने पानीपत रेलवे स्टेशन पर, अपना शहर अपना होता है प्राया साइड प्राया होता है, अपने साइड पे आ चुके हैं। यहाँ पे कुछ खाते हैं देख सकते हो भाई यानी क्या, हाँ हमको जाना है एक प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, और प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर खड़ी है एक गाड़ी यानी। तो क्या हम पहले कुछ खाते हैं यहाँ पे ब्रेड पा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं पानीपत रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 1, 2, 3, 4, 5 यानी पानीपत। तो भाई चल रहे हैं अपने घर की तरफ, तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारी ये जर्नी 2 दिन की अच्छी लगी होगी। पहला व्लॉग था दिल्ली का और एक व्लॉग फरीदाबाद का, और ये कुछ इंजन सा खड़ा है वहाँ पे। हमारा पानीपत कहाँ पे है दिखा, इन्होंने भरवा ली बोतल भाई देख सकते हो मीठे पानी की बोतल भाई ये बहुत ही अमृत है भाई, गिलास और देना अमृत।
बस भरवा ली हमने अमृत पानी है, पीऊंगा मैं, पीऊंगा यार ठीक है। Against people who patent it, being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, isn't that spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas.